फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था और कुछ वक्त उसके बेसिक फार्मूलेज प्रूफ किए। उसी सीक्वेंस में अपन कुछ और उसके स्टैंडर्ड फार्मूलेज प्रूफ करेंगे। ठीक, फर्स्ट फार्मूला है द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक एटी। The Laplace of sine hyperbolic at is a upon s square minus of a square. The condition is s is greater than mod of a. Right? अब ये कैसे प्रूफ हुआ उसको अपन देखेंगे। First, we apply the definition by definition of Laplace transformation. The Laplace of function ft is equals to integral 0 to infinity e to the power minus of st function ft dt. Right? And the function is given sine hyperbolic at. It means the integral 0 to infinity e to the power minus of st function ft is sine hyperbolic at. Right? Means अब मेरे को यहां पे क्या करना है, इस पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू t. तो मेरे को इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करना पड़ेगा, है ना। और इंटीग्रल को अगर मैं और आसान बनाना चाहता हूं तो मैं यहां पे क्या कर सकता हूं, इस हाइपरबोलिक फंक्शन को एक्सपोनेंशियल फंक्शन की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकता हूं। राइट? अपन ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है कि अगर मेरे पास में साइन हाइपरबोलिक फंक्शन है, साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स है, तो मैं इसको एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में क्या लिख सकता हूं, दिस इज ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स बाय टू। इस फॉर्म में भी मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूं, तो मेरा इंटीग्रल थोड़ा सा और इजी बन जाएगा, है ना। तो यहां पे मैंने साइन हाइपरबोलिक फंक्शन को चेंज करके क्या लिख दिया, दिस इज इंटीग्रल जीरो टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी, और साइन हाइपरबोलिक के प्लेस पे आ जाएगा ई टू द पावर ए टी माइनस में ई टू द पावर माइनस ए टी बाय टू इंटू dt by 2 constant है, integral sign से अपन इसको बाहर कर देते हैं, then e to the power minus st का यहां पे अपन multiplication कर देते हैं, तो मेरे को दो नए integrals मिल जाते हैं। therefore the Laplace of sine hyperbolic at is equals to 1 by 2 constant integral sign के बाहर किया, then this gives integral 0 to infinity e to the power minus st into e to the power at, है ना। तो क्या जाएगा, e to the power minus st plus at, अगर माइनस साइन में कॉमन ले लू तो क्या दे देगा रिजल्टेंट, e to the power minus of s minus a into t dt। ये मेरा फर्स्ट इंटीग्रल हो गया। देन सेकेंडली इसको भी इसके साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस साइन कॉमन लिया, वेरिएबल टी कॉमन लिया, देन दिस गिव्स अनदर इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस ऑफ एस प्लस ए इंटू टी डी टी। अब देखें अपना इंटीग्रल कितना आसान हो गया, जहां अपन यहां बाय पार्ट्स लगा के उसको सॉल्व करने का प्रयास कर रहे थे, अब अपने पास वो इंटीग्रल बहुत आसान हो गया। अब अपन क्या कर सकते हैं, इसको इंटीग्रेट भी कर सकते हैं इजीली। सो 1 बाय 2 इंटीग्रल ई टू द पावर ए टी, ई टू द पावर ए टी का इंटीग्रल ई टू द पावर ए टी अपॉन ए, और यहां मेरे पास ए के प्लेस पे क्या है, ये विद माइनस साइन एस माइनस ऑफ ए है। सो दिस गिव्स 1 अपॉन एस माइनस ऑफ ए विद माइनस साइन, राइट, इंटू e to the power minus of s minus a into t, और इस पूरे का लिमिट्स मेरे पास क्या है, 0 to
इंफिनिटी। इन द सेम वे इस टर्म को भी मैंने इंटीग्रेट किया तो रिजल्टेंट यहां से क्या मिला, वन अपॉन एस माइनस ए विद माइनस साइन, तो ये हो जाएगा आपका प्लस एस प्लस ए इंटू ए टू द पावर माइनस ऑफ एस प्लस ए इंटू टी एंड द लिमिट इज जीरो टू इंफिनिटी। राइट, नाउ वी सब्स्टिट्यूट द लिमिट्स, देन वी गेट वन बाय टू माइनस ऑफ वन अपॉन एस माइनस ए। When we put limit infinity, then this becomes e to the power minus of infinity, and the e to the power minus infinity is always zero. When we put t is zero, then this gives us e to the power zero, and e to the power zero is one. यहाँ से मेरे पास ये resultants मेरे को मिले. In the same way, this gives us one upon s plus a into e to the power माइनस ऑफ इंफिनिटी दैट इज जीरो एंड e टू द पावर जीरो इज वन। इसको एक बार मैंने और सिंप्लीफाई किया, देन दिस वन बाय टू माइनस माइनस हो जाएगा प्लस वन अपॉन एस माइनस ए एंड माइनस वन इंटू दिस दिस इज वन अपॉन एस प्लस ए। एलसीएम लेके और सिंप्लीफाई कर लेंगे, देन दिस इज इक्वल टू वन अपॉन s माइनस ए इंटू एस प्लस ए और दिस गिव अस s प्लस ए माइनस ऑफ s एंड प्लस ऑफ a। माइनस s प्लस s कैंसिल हो जाएगा, देन वन बाय टू a प्लस a दिस इज टू a और यहां पे सिंपल सी अपन ने आइडेंटिटी लगा दिया a माइनस b a प्लस b, तो दिस गिव अस s स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर, ये टू से टू भी कैंसिल हो गया तो मेरे पास रिजल्टेंट आ गया a अपॉन s स्क्वायर माइनस ऑफ a स्क्वायर एंड कंडीशन इज s इज ग्रेटर देन मोड ऑफ a। राइट, ये कंडीशन का मीनिंग ये है कि अगर मैंने यहां s से ग्रेटर देन वैल्यू यूज करूंगा तभी ये डिफाइंड होगा, और अगर s इक्वल टू a रखा तो डिनोमिनेटर मेरा जीरो हो जाएगा और जीरो होने पे ये रिजल्टेंट क्या होगा, नॉट डिफाइंडेड होगा, इसलिए अपन को ये कंडीशन फॉलो करानी है। क्लियर, अपन ने देखा साइन हाइपरबोलिक at को अपन किस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, इसी टाइप से अगर आपके पास में फंक्शन साइन की जगह कॉस हो जाता तो आपका रिजल्टेंट क्या होगा, तो अपन दूसरा फार्मूला देखें, द लाप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक at दिस इज इक्वल टू s अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, कंडीशन इज सेम। ठीक है, अब इसको मैं आपको दूसरे तरीके से प्रूव करके दिखा देता हूं, थोड़ा सा और इजी हो सकता है आपको वो लगे। ठीक है, द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस हाइपरबोलिक at। ठीक, तो सबसे पहला काम तो मैंने क्या किया, यहां पे कॉस फंक्शन को कन्वर्ट किसमें कर दिया, एक्सपोनेंशियल में, जैसे अभी अपन ने साइन को देखा था कि साइन को मैं अगर हाइपरबोलिक फॉर्म में है तो अपन इसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो अपने लिए रिजल्टेंट इजी हो जाते हैं। ऐसे ही मैं यहां पे कॉस को भी एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करूं तो रिजल्टेंट क्या मिलेगा, e टू दी पावर ए टी प्लस e टू दी पावर माइनस ए टी बाय टू। ठीक, अब ये कह रहा है कि आप इसका लाप्लास निकालें, हम इसका ना निकाल के इसका भी लाप्लास निकाल सकते हैं, सो द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस हाइपरबोलिक ए टी मीन्स वन बाय टू the Laplace transformation of e to the power at plus Laplace of e to the power minus of at। ठीक है, अब देखें ये तो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अगर मेरे को इनके डायरेक्ट फार्मूलाज मालूम है, इसका Laplace ऑलरेडी मैं सॉल्व कर चुका हूं तो मैं अप्लाई भी कर सकता हूं यहां पे। ठीक, तो ये रिजल्टेंट मेरे को दे देगा 1 by 2 Laplace transform of e to the power at is 1 upon
एस माइनस ऑफ ए एंड द लाप्लास ऑफ ई टू द पावर माइनस ए टी इज वन अपॉन एस प्लस ए. सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको. सो दिस इज इक्वल टू वन बाई टू एस माइनस ए इंटू एस प्लस ए एंड दिस इज एस प्लस ए प्लस एस माइनस ऑफ ए. प्लस ए माइनस ए कैंसिल हुआ. दिस इज टू एस, टू एस से टू को भी कैंसिल कर दिया. तो आपके पास फाइनली रिजल्टेंट बचा लाप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक ए टी इज इक्वल टू एस अपॉन एस स्क्वेयर माइनस ऑफ ए स्क्वेयर एंड द कंडीशन इज एस इज ग्रेटर देन मॉड ए. ठीक है, तो देखिए कितनी आसानी से अपना प्रूफ आ गया. मेरे को यहाँ पे इंटीग्रेशन भी नहीं करना पड़ा और मेरे को रिजल्टेंट आसानी से मिल गया. तो मेरे पास दोनों ऑप्शन है. ठीक है, अगर मेरे को इनके लाप्लास याद नहीं है या इनका मेरे को फार्मूला नहीं मालूम है तो मैं फिर क्या कर सकता हूं, बेसिक डेफिनेशन की हेल्प से इंटीग्रल के थ्रू भी सॉल्यूशन निकाल सकता हूं. ठीक, थैंक यू.